आपने अपना लाइफस्टाइल खुद ही चेंज करना है। जिन लोगों को बार बार भूख लग रही होती है, सबसे पहले तो हम ये एडवाइस कर रहे होते हैं उनको कि जब आपको भूख महसूस होती है तो ज़रूरी नहीं होती कि वो भूख के ही सिग्नल्स होते हैं, मेजॉरिटी तौर पर यह होता है कि वो प्यास के सिग्नल्स होते हैं। तो आपने उठ के पानी पीना होता है बहुत अच्छे तरीके से। कई दफ़ा आप स्लीप डिप्राइवेशन का शिकार होते हैं तो आप नींद अपनी तरीके से पूरी कर लिया करें। आप किसी स्ट्रेस का शिकार हैं तो आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आपने अपने स्ट्रेस लेवल्स को दूर करना है। ये दो तीन चीज़ें कंट्रोल करने से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, जिसको हम इन कॉम्बिनेशन कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। और जब आपको फिर भी ना इससे फ़ायदा हो रहा हो, यानी कि आप इसी प्रोसेस में हों कि जब आप अपना इलाज करवा रहे हों, तो आपने क्या करना है, आपने प्रोटीन कभी कभार ले लिया, आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया। ज़रूरी नहीं होता कि आपने हर दफ़ा भूख की आवाज़ पर लबैक ही बोलना होता है, पेट भर के खाना खाना होता है। कुछ आप नट्स बना के अपने पास एक बॉटल में भर के रखें। सौंफ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जीरा और सौंफ भून के अपने पास बॉटल में रखें। कभी आपने नट्स ले लिए, कभी आपने भुने हुए चने ले लिए, कभी आपने एक कप स्किम मिल्क पी लिया, कभी आप बाहर चले जाइए खुली हवा में, फिज़ा में, वहाँ पर आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, वॉक कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। फाइबर का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब किसी भी इंसान को बार बार भूख लग रही हो, उसमें इस फगुला हस भी आ जाती है, उसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आते हैं, उसके अंदर फ्रूट्स भी आते हैं। देखिए, अगर कहते हैं ना कि दिल भी किसी ज़िद पे अड़ा है बच्चे की तरह, सब या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। अगर आपने बार बार इसी तरह आप जब आपको भूख लगती है और आपने प्रॉपर तरीके से रोटी का या चावल का या गंदम का इस्तेमाल करते रहे, तो आपका इतना ज़्यादा वज़न बढ़ जाएगा और आपको इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसकी वजह से, कि जिसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकेंगे। इंसानी जिस्म गंदम खाने के लिए नहीं बनावा। गंदम उन लोगों के लिए बनावा था जो सुबह से लेकर रात तक खेतों में जाते थे और मेहनत करते थे और मशक्कत करते थे, यानी कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज को वो बर्न करते थे और फिर वापस आके वो गंदम खाते थे। हम लोगों का जो जिस्म होता है वो गंदम खाने के लिए नहीं बनावा होता, तो हमें छोटे छोटे पोर्शन के अंदर छोटी छोटी चीज़ें खानी होती हैं, और तमाम तरह की लिस्ट की चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। वरना हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हमें भूख लग रही है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को आपने अपनी डाइट से निकाल देना है। न्यूट्रिशनिस्ट साइकेट्रिक के जरिए फिटनेस रखें बरकरार सिर्फ हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप के जरिए।